फ्रेंड्स का मैरी गो राउंड अब समाप्त हुआ, मेरे गोदी में आकर के ये शांति से बैठे हैं। तो कभी कभी इनके मूड के हिसाब से ना, अगर जिस दिन बाहर नहीं ले जाना खेलने के लिए, ये घर में ही मैरी गो राउंड शुरू कर देंगे, पूरे घर इनके पीछे खेले। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आज इन लोगों को फिर लेट हो, 6:45 पे उठा रहा था, कोई नहीं उठ रहा था। अब इतना लेट हो रहा है कि अब एरिस भी चल रहा है पैक, तो एरिस आज एरिस तक तंग कर दिए कि एरिस को लेके चलना पड़ रहा है। तो एरिस पीछे बैठे हुए हैं, फिर मम्मी ठीक है छोड़ के आते हैं, ठीक है जान दो। एरिस तो ऐसे बैठे हुए हैं कि इनको भी स्कूल जाना है। चलो भैया चलो, अब जल्दी छोड़ के आते हैं, ठीक है। बाय बाय। भैया वापस जाने के लिए कह रहे हैं, जाओ जाओ, हम नहीं जाएंगे, अंदर तो चल, चलो हम नहीं जाएंगे, मेरे जाने से क्या होगा। एरिस दीदी शाम को मिलेगी, परेशान ना हो तुम, परेशान ना हो, दीदी शाम को मिलेगी, अब परेशान ना हो, बस करो। सो गाइस, अब अच्छे बच्चों के तरीके एरिस बैठ गए, अदरवाइज ये इतना ज्यादा परेशान करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इनका मन चलता है बस बस मैं कूद जाऊं, गाड़ी खुल जाए मैं कूद जाऊं सबके ऊपर। सो गाइस, अब घर आ गए और एरिस की अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ से निकालने की। रुक जाओ, आराम से उसमें से निकाले, बिकॉज ये बिना लीस वीस के गए थे, और अगर कहीं निकल जाएंगे तो फिर सीधे ना निकलने पे ये फिर धोखा दे देता है, इतना तगड़ा भागेगा। मुझे तो हो गया है जुकाम गाइस, आज तो मैं अपने साथ एक कपड़ा लेके चल रहा हूँ, बिकॉज पता नहीं कैसे यार एलर्जी वेलर्जी हो गई। सुबह 4 बजे उठ के सिट्राजिन खाए हैं, तब जाके अभी थोड़ी राहत है, अदरवाइज तो इतनी नाक चू रही थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। रुक जा, धीरे धीरे चलो, आ चलो, आ गए हैं गाइस, आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अगर इसका हाथ एक बार छूटा मेरे गर्दन, इसके गर्दन से इसका, अगर मेरा हाथ इसके गर्दन से मेरा हाथ अगर एक बार छूटा तो इतनी स्पीड में भागेगा ना जिसका कोई जवाब नहीं। और किस लिए भागेगा? केवल भागेगा अपना बाउंड्री बनाने के लिए। अभी इसका जो दिमाग में रहता है बस केवल टॉयलेट करना, बाहर निकल जाओ तो एक तरफ एक छोर पे टॉयलेट, दूसरे छोर पे टॉयलेट, बस। भैया जैसे स्कूल गए छोड़ करके आए, जैसे वहाँ गाड़ी खड़ी किए, भैया घर भेजा जा रहा है, घर भेजा जा रहा है, सबको घर भेजा जा रहा है, रुके रहो अंदर चल के छोड़ो, लेट पहुंचने के लिए, लेट, हाँ लेट की वजह से। अब मैं वही गाड़ी खड़ा किया हुआ था आराम से, हम क्या बैरिस को लेके अंदर तक कहाँ जी के जाएंगे, बैरिस को लेके जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तब खड़ा किए गाड़ी, फिर उसके बाद जब ये लोग अंदर चले गए तब आए, वही दूरी खड़ी की है। लेकिन इसके बाद भी चल रहा है फैक्ट्री, बिकॉज गैया की भी तबीयत खराब है, तो गैया को चेक करना जरूरी है ना। मम्मी इधर आइए, एरिस को देख लीजिएगा, जुकाम तेना सिर दर्द कर रहा है, जुकाम है, फीवर भी हल्का हल्का सा है, लेकिन ये है कि चलते हैं फैक्ट्री, बिकॉज फैक्ट्री बिना चले कोई जरिया नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। बिना फैक्ट्री गए देखिए मम्मी कैसे निकल रही है, ताकि बाहर ना निकल आए, संभाल के धीरे धीरे। वही रहो, जब नहीं तो निकल जाएगा तो इधर सुधर इतना घुमंडा मारेगा ना। तो अब जल्दी से हम लोग चलते हैं फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री चल के बताए, ठीक है मम्मी, बाय। हाँ ठीक गाइज, हम तो बात ही बातों में भूल गए हेलमेट ही लेना, अब हेलमेट ले ले फिर चलेंगे। मम्मी हेलमेट, बात ही बात में हेलमेट ही लेना भूल गए जब वहाँ गए, हम कहे अरे हम तो फ्री जा रहे, फिर मैं सोचा चलो चले जाते हैं, लेकिन फिर मैं कहा जान दो कहीं कोई समस्या हो, कहीं चलान उलान के लिए, चलान भी और खुद की सेफ्टी भी होती है यार, सही बात है, सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर चलान के लिए भी, चलान का तो डर तो रहता ही गाइस, कहीं चलान ना हो जाए जबरदस्ती का 500 रुपए देना पड़े। भूल गए जब लेके स्कूटी गए बाईपास तक, हाँ एक बार लॉकडाउन में मैं बाईपास पे गया गाइस, और उसके बाद वहाँ पर तुरंत चलान कटा, चलान हो गया, चूंकि लॉकडाउन भी चल रहा था और 500 रुपए चलान हो गया, अब इससे मेरी आदत पड़ गई कि गाइस अब नहीं यार मैं अब हमेशा हेलमेट लगाऊंगा, तो वाकया हो चुका है। तो गाइस जुकाम बहुत तेज है और बिना माइक्रोफाइबर हैंग के लिए कोई काम नहीं चलने वाला है, तो चलते हैं माइक्रोफाइबर हैंग के लेते हैं। कितने रुपए का है ये? 50 का। अरे 30-30 रुपए का देते हैं, 40 लगा दीजिए। और गाइस अब मैं सोच रहा हूँ दवा भी ले लेता हूँ, ये तो नाक पोंछने के लिए हो गया, बहुत जबरदस्त जुकाम हो रहा है, तो दवा भी ले लेते हैं फिर चलते हैं, अदरवाइज ऑफिस में फिर बैठे रहने पे बड़ी दिक्कत होगी, काम वहाँ करना पड़ेगा।
इसको खा भी लेते हैं, दवा अभी तुरंत ही खा लेते हैं, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जाते जाते इतनी जुकाम हो जाएगी ना, मेरा बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी यहीं पर बगल में एक होटल है, यहीं से पानी पी लेते हैं, दवा खा लेते हैं। दवा खा लिया गाइस हम लोगों ने, चलते हैं फैक्ट्री सीधे से। हो गया सारा काम, दवा भी खा लिया, हैंकी भी ले ली। नाउ वी आर प्रिपेयर टू फाइट दिस डे, अदरवाइज आज तो हम धाराशाही हो जाते। गैया का क्या हाल चाल है? गैया वैसे है, वैसे ही है, खाई हुई नहीं ना। सो गाइस, गैया और मेरी दोनों लोगों की आज तबीयत खराब हो गई है, और तो किसी तरीके से अब आ ही रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, जब आप बाइक से आते हो ना और आपको कस के अगर जुकाम हो, तब आप चाह के भी मास्क नहीं लगा सकते। अब सब मुझसे कहोगे मास्क लगाना चाहिए था, भाई नाक इतनी चू रही है, नाक इतनी चू रही है, कैसे मास्क लगा सकते हैं। अच्छा, हम और गैया अब दोनों बीमार हो चुके हैं, अब बड़ी समस्या है। देख रहे हैं इतनी छींक क्या बताएं, जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आपका पैर दर्द रहे, बुखार रहे, आप तब भी आ सकते हो, लेकिन जुखाम जब हो जाती, जोखू से ही जुखाम आया है मुझे। जोखू कितना तगड़ा जुखाम था, और जो है सही हुआ जुखाम, कहाँ हुआ, आवाज़ वैसी है। जुखाम इनको था गाइज, इन्हीं से मेरे पास आ गया, अब तो मेरा हाल बुरा हो गया गाइज। बस गैया ठीक हो जाए बस, बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है। हाँप रही है, पता नहीं क्यों हाँफ रही है, ऐसे हाँ कर रही है, देखिए। गाइज वेट मैंने चेक किया, मेरा 85 kgs वेट हो गया है, मतलब कि 3-4 kgs का लॉस हुआ है लगभग, देखा जाए अगर तो, क्योंकि मैं 89 था, 89 था बेसिकली, और 87 में मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार तो है। लेकिन आज दवा मैंने खा ली है, तो इस वजह से मुझे कुछ खाना पड़ेगा सुबह, तो इस वजह से बाटी लेके आए, तो बाटी खाएंगे अभी। गैया को पहले फिर वही ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ खा ले, कुछ खा ले, ले। सो गाइस, पापा को फ़ोन करके मैंने कह दिया है कि अब यहाँ पर रोटी तो नहीं बन सकती फैक्ट्री पे, लेकिन घर से रोटी ले आएंगे, 3-4 रोटी, तो गैया को दे देंगे, गैया खा लेगी, क्योंकि रोटी वो खा रही है, उसको रोटी अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी एक असाधारण सी एक बाटी और एक चोखा खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे, बिकॉज वही जो फास्टिंग है ना, इंटरमिटेंट वाली, उसको मेंटेन करना है। सो गाइस, गैया के लिए रोटी आ चुकी है, अब चलते हैं उसको कुछ खिलाते हैं, देखते हैं खाती कि नहीं, क्योंकि उस दिन तो रोटी खा ली थी, तो खाना चाहिए था। कि जिस दिन जुखाम हो जाता है ना गाइस, उस दिन तो पूरा दिन एकदम पूरा समझ लीजिए खराब ही रहता है। अब नाक पोंछ पोंछ के ना एकदम परेशान हो गया हूँ, लेकिन अब चल रहे हैं गैया को खिलाने। तीन ही रोटी खिलाएं, मन कर रहा है कि 10-12 रोटी खिला दें इसको, लेकिन केवल रोटी नहीं खिलाई जा सकती ना। हमारे एक बाउंड्री के पीछे देखिए, ये पेड़ है, ये पेड़ है बेर का, मतलब इस पे बेर निकल रहा है। बेर आप जानते होंगे, जो होता है येलो येलो कलर का फ्रूट होता है, तो ये देसी बेर है गाइस, देखिए निकल रहा है, ये देसी बेर निकल रहे हैं, देखिए। अब ये देसी बेर जब बड़ा हो जाएगा ना, तो बहुत मीठा लगता है खाने में, लेकिन इसको बंदर ही खा जाएंगे मुझसे पहले, हम लोगों को अभी मिलता नहीं है, अभी अभी दिख रहा है, बिकॉज अभी छोटा है, कच्चा है। चलते हैं पापा से पूछते हैं कि पापा पहचान पाते हैं कि इसको नहीं, पापा की भाई यहाँ आते जाते हैं, पापा की फैक्ट्री, पापा अब देखते हैं। अच्छा पापा, ये बताइए ये क्या है, ये कौन सा फल है, ये क्या है, मतलब ये हमें लग रहा है कि ये जो है, हाँ ये क्या है, ये वो है, क्या कहते हैं, मौसमी नहीं, चलिए एक ऑप्शन और है आपके पास। अच्छा हाँ, ये वो है बैर। हाँ जान तो गए पापा, बैर, बैर है, लेकिन ये हम लोगों को खाने को नहीं मिलेगा ना, बंदर नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, बंदर ही खा जाएंगे, इतना बैर निकला है पापा उसमें, उसके बाद बचेगा, मिलेगा, लाई लाई। सो गाइस, अब मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है, मुझको घर जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं एकदम अब समझ लीजिए रह नहीं पा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, बुखार इतना तेज है, सिर दर्द हो रहा है, आँखें वाँखें देख रहे हैं कैसी हो गई हैं, तो पता नहीं कहाँ से वायरल आ गया यार, वही मैं कह रहा हूँ ना, सुबह से जोखू से ही आया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वायरल तो वायरल है, दवा खा लिए और ठीक नहीं है, आएगी आएगी, ठीक आएगी, लग रहा है आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी।
गाइस जुखाम ने तो आज जीना मेरा हराम कर दिया है, तो अब जल्दी से चलते हैं घर, और घर चल के फिर से दवा खाते हैं और आराम करते हैं, पूरे दिन के लिए गर्म पानी पीते हैं। अब आज यही करना है, बस चलते हैं सर घर। यार पहले तो रास्ते में बैनर दे देना ये जा रहे हैं तिवारी माल लेकर के, तो इनको बैनर भी देना है। तो आगे रुके हुए हैं, ये गाड़ी यहाँ रुकी हुई है। तिवारी कहाँ जा रहे हैं? माल उतारने जा रहे हैं। और खाना ना खा लिए? अच्छा चलिए ठीक, जाइए जाइए जाइए। तो पता है मुझे सबसे ज़्यादा हेट केवल एक ही चीज़ से है, वो है जुखाम। बस पैर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, तो चलो ठीक है दवा खा लिए पैरासिटामोल सही, लेकिन ये ऐसा चीज़ होता है ना जो एकदम लेने देना पड़ जाता है इसमें जुखाम में। और वो वाला जब रनिंग नोज़ वाला होता है ना, तो नोज़ ही इतनी बहती है कसम से, अच्छा लगती है यार। आज मैं अपने छोटे से शहर अयोध्या में सुबह से देख रहा हूँ कि महिलाएं गाड़ी चला रही हैं। टिलर चलाते हुए मुझे वुमेंस को देख करके बहुत कि मतलब अच्छा लग रहा है एक तरीके से। इस दिन भर से मैंने समझ लीजिए 7-8 लोगों को देखा है, 7-8 वुमेंस को देखा है कि दे वर ड्राइविंग, एंड आई फील लिटिल बिट प्राउड कि हाँ चलो हमारे शहर में ग्रोथ हो रही है, महिलाएँ सशक्त हो रही हैं और उनको अब मतलब खुले तौर पे काम कर रही हैं। अदरवाइज अभी भी बहुत जगह है ऐसा गाइस, और अभी भी हमारा अयोध्या थोड़ा इतना विकास अभी विकास ही रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, देख के बहुत अच्छा लगा। आज मैगी ले ली है, सो गाइस मैगी ले ली है, और आज मेरे कंधे पे टॉवल चल रहा है साथ साथ, बिकॉज जुकाम इतना तगड़ा हो रहा है ना, बाइक चला रहे हैं तो भी टॉवल, और कुछ भी कर रहे हैं तो भी टॉवल, आज टॉवल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और मैगी इस वजह से ली है बिकॉज घर पे मम्मी खाना आज नहीं बनाई है, बिकॉज उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी बता रही थी, तो चलते हैं घर पे मैगी खाएंगे आराम से, और मम्मी के लिए ले लेते हैं समोसा। तो मम्मी के लिए समोसा ले लेते हैं, 2 समोसा पैक कर दीजिए। हाँ 2 समोसा, तो गाइस मम्मी के लिए समोसा हो गया, और समोसे के साथ ले लिया हूँ इमरती जी, चलते हैं आराम से घर यार, बहुत तबीयत ख़राब है। अभी भी आपको जुकाम हो जाए आप कभी बाइक से मत आओ। जब आप मैं बाइक से आ रहा था, बाइक फैक्ट्री से घर तक आते समय 8 से 10 बार मुझे छींक आई, बस एक्सीडेंट होते होते बचता हूँ। तो कभी जुखाम आपको हो तो आप बाइक मत चलाइए, मैं तो यार जान पे खेल के आ गया हूँ, और अब आराम करेंगे बिकॉज सिर बहुत देर दर्द कर रहा है। 4 बज गए मुझे आते आते, 2 बजे मैं निकला था, और फीवर उवर तो है ही। आपके लिए समोसा ले आए हैं, समोसा है और उसमें वो भी है इमरती भी है। सो गाइस अब चलते हैं यार, मैगी बनाते हैं आराम से, और बच गया है शाम के 7:30, और तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा है, आराम भी नहीं कर पाए, बस आराम क्या ऐसे लेटे हुए थे, और आराम का आराम भी नहीं हो पाया क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया और मूड ख़राब हो गया। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, वही सेम चीज़ मेरे घर में भी चल रही थी, तो वो बेस्ट पार्ट नहीं था गाइस लड़ाई झगड़ा दिखाना, इस वजह से मैंने उसको अवॉइड किया। लेकिन अभी मूड थोड़ा फ्रेश हुआ है, तो 7:30 बज गया है, तो बिना है और हम अकेले हैं, मम्मी और खुशी सब लोग गए बाहर सामान उमान लाने, तो चलते हैं मैगी बनाते हैं। तुम्हारा वो क्या हार्ट पंपिंग मॉडल था? मैंने एक बार बनाया फेल हो गया। गाइस हार्ट पंपिंग मॉडल ये बना रहा है, मतलब कैसे क्या क्या फंक्शन रहेगा उसका ये बता दो सबको, बताओ कैसे मतलब क्या फंक्शन है उसका? फंक्शन है कि जैसे हार्ट पंप करता है उस तरीके से हार्ट पंप करेगा बेसिकली, और उसके बाद हार्ट पंप करेगा तो हम लोग शो करेंगे उसमें से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एंट्रियम लेफ्ट एंट्रियम और बाकी सारी चीजें। हार्ट के ब्लड को पंप करने वाला ये मॉडल बनाया जा रहा है। हाँ। तो ये बिना कब तक रेडी हो जाएगा? ये होगा कल परसों तक, क्योंकि मैंने एक बनाया अभी ये, तो इसमें मैं ग्लूगन लगाया और इसमें एयर लीकेज थी कहीं ना कहीं से। हाँ हाँ। तो इसमें जब मैंने ग्लूगन लगाया तो ये हो गया, इसका ये पाइप निकल गई ग्लूगन से पिघल के, तो अब ये फेल हो गया। ये अगर ये हो जाता तो ये मेरा कल तक कंप्लीट हो जाता, वरना तुम मुझे बताए होते मैं ही हेल्प कर देता तुम्हारा। मैं आया तो था तब, ध्यान रहे ना घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। हाँ नहीं मतलब तुम जो गाइस अब ये मेरे पास आया था, लेकिन एकदम मूड मेरा खराब था ना उतने समय, क्या बताऊँ बहुत ज्यादा मैं बहुत परेशान भी हूँ जिंदगी से अपने, बस स्माइल कर रहा हूँ लाइक एवरीवन इज डूइंग। तो चलते मैगी खाते हैं। मैगी अभी बनी ही नहीं है, बिना बनाओगे कि मैं बनाऊं? बना रहे हैं। तुम बनाओगे क्या? साथ में बना रहे हैं। चलो अच्छा चलो साथ में बनाते हैं। कौन सा फिर वही रामेन स्टाइल मैगी फिर से एक बार बना रहे हैं आज हम लोग। एक बार तो फ्लॉप हो गया था गाइस, एकदम गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब मुझे जब नुस्खा पता चल गया है तो अब बनाएंगे ढंग से। सो गाइस हम लोगों ने मैगी को उबाल लिया है एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया गर्मा गर्म मैगी एकदम उबल करके, एकदम उबली हुई मैगी का भी स्मेल बहुत अच्छा, बढ़िया स्मेल आ रही है। उबाल लिए अब इसका मसाला, मतलब इसका क्या कहते हैं उसे, इसका सॉस,
इसका सॉस रेडी करते हैं हम लोग। हमारा सॉस रेडी हो गया है, आज का सॉस यार सही बना है। अभी इसको खाएंगे ना तो मजा आएगा। अभी पहले इसको मिला लेते हैं सॉस। पड़ेगा सॉस, हमने सरसों का तेल और बटर दोनों मिक्स किया था और इसमें डाला था सोया सॉस और डाले थे मैगी मसाला। बस यही इतना ही यार, ज्यादा और सारी चीजें नहीं हो पाई। भैया मैगी केक अच्छा ही होगा ऐसा नहीं। मैगी केक, मैगी केक भी ने बताए हैं, बना रही है, उबल के ऐसे हो गया है। चलो इसमें अब तुम वो करो, जैसे सीमेंट में वो नहीं किया जाता, जैसे जब सीमेंट बनाया जाता है तो वो किनारे किनारे नहीं बनाया जाता कि फिर इसमें पानी डाला जाता है बीच में। करता हूँ। चलो वॉल्केनो बनाओ सीमेंट के वाला और करो कस के थोड़ा। अब मिक्स कर देते हैं इसको। और गाइस रेमेन स्टाइल मैगी हमारी बनके हो गई है तैयार। ये देखिए मस्त मस्त लग रही है ना, एकदम कोरियन। अब खाते हैं फिर बताते हैं। आज तक इतनी अच्छी कोरियन रेमेन खाई है तुमने? मतलब मैगी वाली अच्छी है। हाँ जल्दी करो यार, थोड़ा जल्दी बोलो। बहुत टेस्टी है। सो गाइस अब कोरियन स्टाइल रेमेन मैगी खाएंगे आराम से और करेंगे आप लोगों के लिए एडिटिंग बिस्तर पे बैठ के। मुझे बिस्तर पे बैठ के यार एडिटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। टेबल पे एक्चुअली मेरे चेयर वो वाला है लकड़ी वाला, तो उस पर यार ना पीठ बहुत दर्द करने लगती है, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब फैंसी फैंसी चेयर्स देखते हैं आप ना कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर डेस्कटॉप वाले, वो यार ज़रूरी होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो अभी हम बेड पे बैठ के करते हैं। बेड पे भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको एडिटिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। आई होप कल की तबीयत मेरी ज़्यादा अच्छी हो तो मैं और एनर्जेटिकली सारे ब्लॉग्स अच्छे से शूट कर सकूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कैसा भी लगा हो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। सो हे गाइज, हाल तो बहुत बेहाल है यार, हाल का मत पूछिए। और बस अब सोने ही जा रहे हैं, वीडियो आपका बस कुछ देर में जाने वाला है, आराम से इंतज़ार करिएगा। 8:01 पर चला जाएगा, या थोड़ा सा आगे पीछे भी हो गया तो परेशान ना होइएगा, आएगा ज़रूर। बिकॉज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, सिर इतना तेज़ दर्द हो रहा है और जुकाम अभी भी ऐसे ही है और 11:30 बज रहा है लगभग। फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है डेंगू का, कहीं डेंगू वेंगू जैसी समस्या तो नहीं हो गई यार, क्योंकि इतना वायरल इतना फैला हुआ है ना, बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। आप लोग सुरक्षित हो जाइए अपने अपने जगह पर, कहीं भी पानी स्टोर करके रखा हो तो उसको गिरा दो, कहीं पर भी जो है मच्छर की अगर कहीं उत्पत्ति हो रही है तो वहाँ पर स्प्रे मार करके उसको धुआं करके सब कुछ हटा दीजिए वहाँ से। खैर अब सोने का कुछ प्रयास करते हैं गाइस, और नहीं तो कल ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि एक बार फिर से, बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। लाइट भी बंद कर दिए विनय तुम तो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस। जल्दी से प्रे करिए यार मेरा सही हो जाए सब कुछ, तबीयत वबीयत। विनय भी यहीं सो रहे हैं, आज हम और विनय फिर से एक साथ सो रहे हैं, हम दोनों भाई सुख दुख के साथ ही हैं एकदम। इसको दिक्कत होती है तब मैं इसके पास सोता हूँ, जब मुझे दिक्कत होती है ये मेरे पास सोता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं गाइस, अब चलते हैं सोते हैं आराम से और मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। जैसे लगता है बचपन में कुछ ही समय मीजी उजी थी, उसके बाद बड़े हो गए तो मीजने उजने का जो समय था वो नहीं मिल पाया उतना। तो जब सिर में मम्मी मेरे बाल में तेल लगाती है ना तो अपना सारा शौक पूरा कर लेती है। सो गाइस यार मम्मी पता नहीं कैसे अचानक से तेल लेकर के आई, अब मेरे सिर पे तेल लगाया जा रहा है। और ऐसी मम्मी की चंपी जो होती है ना इतनी ज़बरदस्त होती है कसम से, सारी ममता सारी मेहनत गाइस मम्मी की ना मेरे सिर पे ही निकलती है। इतना तगड़ा भी चंपी कर डालेंगी कि एकदम दबा दबा के पूरे सिर का दर्द निकाल देंगी। दर्द कर रहा होगा सिर ना? हाँ सिर तो दर्द कर ही रहा है। बोले एकदम, अब क्या बोलेंगे आपको, परेशान करें आपको, खुद ही एकदम पीड़ा वीड़ा गाइस। मम्मी खुद ही दिन भर के काम से परेशान रहती है, मैं इनसे कुछ नहीं कहता। मैं खास करके मैं गाइस मम्मी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी अपने मम्मी से पैर, मम्मी मेरा पैर भी कभी कभी आते रहती है दबाने, मैं कभी उनसे पैर नहीं दबाता, मैं किसी से भी पैर नहीं दबाता। मेरा एक वो है, मेरा एक मानना है, मेरा एक मानना है गाइस, मैं अपना पैर किसी से भी टच नहीं करवाता, और मम्मी से तो एकदम भी नहीं।